Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today we are going to start our new chapter of computer book by BrainRoot series. The name of our book is Cyber Creators Class 2. आज हम chapter number 2 पढ़ेंगे और हमारे chapter का क्या नाम है? Different parts of computers. आज हम computer के different parts के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए start करते हैं अपना chapter. In this chapter, you will learn. इस chapter में आप पढ़ेंगे monitor के बारे में, keyboard, scanner, microphone, pen drive, mouse, UPS, speakers, CD, CPU, printer, हेडफोन्स और डीवीडी के बारे में. ये सब क्या हैं? कंप्यूटर के पार्ट्स हैं. बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे. तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है. नेम एनी फोर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड राइट देयर फंक्शंस. यहाँ पे दो कॉलम है, नंबर वन पार्ट ऑफ बॉडी और दूसरा कॉलम है इट्स फंक्शन. आपको बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं और उनके फंक्शंस लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉडी पार्ट है ईयर्स. ईयर्स क्या करते हैं? इट हेल्प अस टू हियर, वो सुनने में हमारी मदद करते हैं. नेक्स्ट आईज, आईज का क्या फंक्शन है? इट हेल्प अस टू सी, वो देखने में हमारी मदद करती हैं. नेक्स्ट टू यू विल राइट बाय योरसेल्फ. अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट. ईच पार्ट हैज स्पेशल वर्क टू डू. इन द सेम वे अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट. जैसे कि बच्चों, हमारा शरीर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना है. हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं लाइक आईज, नोज, ईयर्स, फिंगर, हैंड. और हर बॉडी पार्ट क्या करता है? अलग अलग काम करता है. उसी तरह कंप्यूटर भी डिफरेंट पार्ट्स को मिलकर बनाया गया है और कंप्यूटर का हर एक पार्ट डिफरेंट डिफरेंट काम करता है. दीज पार्ट्स आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर मेक अ कंप्यूटर वर्क. लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के सब पार्ट मिलकर कंप्यूटर का काम करते हैं. तो चलिए अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. मॉनिटर किसकी तरह लगता है? टीवी की तरह लगता है. इट इज आल्सो नोन एज वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं. वट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन मॉनिटर. हम कंप्यूटर पर जो भी टाइप करते हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं? मॉनिटर पर देख सकते हैं. यू कैन सी मूवीज एंड कार्टून्स ऑन इट. आप कंप्यूटर पर मूवी और कार्टून देख सकते हैं. द रिजल्ट यू सी ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी. और मॉनिटर स्क्रीन पर आप जो भी रिजल्ट देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट माउस. अ कंप्यूटर माउस लुक लाइक अ रियल माउस बट इट कैन नॉट रन एंड ईट लाइक अ रियल माउस. बच्चों, कंप्यूटर माउस भी कैसा लगता है? बिल्कुल रियल माउस की तरह लगता है, लेकिन यह चल भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता और खा भी नहीं सकता. इट ऑल्सो हैज अ लॉन्ग टेल. इसकी भी एक लंबी टेल होती है. इट हैज टू और थ्री बटन्स एंड अ स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन्स. माउस के भी एक, दो या तीन बटन होते हैं और बीच में क्या होता है? एक व्हील होता है. इट इज ऑलवेज केप्ट ऑन अ माउस पैड. और माउस को हमेशा कहाँ रखा जाता है? माउस पैड पर रखा जाता है. यू कैन सिलेक्ट, मूव एंड ओपन थिंग्स ऑन द मॉनिटर बाय प्रेसिंग द माउस बटन. आप कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं,
मूव कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस. इट ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ एंड प्ले गेम. माउस किसी भी चीज को ड्रॉ करने में और गेम्स खेलने में हमारी मदद करता है. वायरलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ अ डेज. आजकल विदाउट वायर वाले माउस भी मार्केट में अवेलेबल है. नाउ वी विल लर्न अबाउट CPU. CPU stand for Central Processing Unit. CPU की फुल फॉर्म क्या है? Central Processing Unit. It is the brain of computer. CPU को computer का क्या कहा गया है? Brain कहा गया है. It looks like a box. और ये किसकी तरह लगता है? एक box की तरह लगता है. It does all the tasks that we want the computer to do. हम कंप्यूटर को जो भी काम देते हैं वो कौन करता है? CPU करता है. इट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज मॉनिटर कीबोर्ड एंड माउस. CPU कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को कंट्रोल करता है माउस कीबोर्ड और मॉनिटर को. दीज पार्ट्स हैव टू बी कनेक्टेड टू द CPU फॉर देम टू वर्क. और यह सब पार्ट कौन कौन से? माउस कीबोर्ड और मॉनिटर किससे अटैच्ड होते हैं? CPU से और अपना काम करते हैं. इट कैन डू डिफरेंट थिंग्स फास्ट एंड इजीली. CPU बहुत से काम करता है, जल्दी करता है और क्विकली करता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट कीबोर्ड. अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में. अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स कॉल्ड कीज. कीबोर्ड पे बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कीज कहते हैं. जस्ट एज यू सी अ पेंसिल टू राइट ऑन अ पेपर यू कैन यूज अ कीबोर्ड टू राइट विद अ कंप्यूटर. जैसे आप अपनी नोटबुक में काम किसकी हेल्प से करते हैं? पेंसिल की हेल्प से. उसी तरह अगर हमें कंप्यूटर पे कुछ लिखना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? वी विल टेक हेल्प फ्रॉम कीबोर्ड. इट हेल्प अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. और अगर हमें कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? कीबोर्ड की हेल्प लेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए. यू कैन टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दीज कीज. द कीज ऑन विच वी सी अल्फाबेट्स ए टू जेड are called alphabet key and number 0 to 9 are called number keys. अगर आपको कंप्यूटर भी कोई भी लेटर टाइप करना है, कोई नंबर टाइप करना है तो वो आप कीबोर्ड की हेल्प से करेंगे. और उसमें आपको कौन कौन सी कीबोर्ड की कीज हेल्प करेंगी? अगर आपको ए टू जेड लिखना है तो आप अल्फाबेट कीज का यूज करेंगे. एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट एनी नंबर फ्रॉम 0 टू 9 वो आप नंबर कीज की हेल्प से करेंगे जिन कीज पर नंबर प्रिंटेड होंगे. नाउ वी विल लर्न अबाउट UPS. UPS स्टैंड फॉर यूनिट्रप्टेबल पावर सप्लाई. व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज इट कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम. इट गिव्स अस टाइम टू सेव आवर वर्क ऑन अ कंप्यूटर प्रॉपरली. हर एक कंप्यूटर के साथ UPS अटैच्ड होता है. वो क्या हेल्प करता है? सपोज काम करते करते लाइट चली गई तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा? नहीं, अगर आपके कंप्यूटर के साथ UPS अटैच्ड है तो आपका कंप्यूटर वर्क करता रहेगा. और उससे आप क्या करेंगे? जो भी आपने कंप्यूटर पर काम किया है उसे आप सेव कर सकते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रिंटर. A printer is used to take a copy of the information stored in your computer on a sheet of paper. Printer क्या help करता है? Suppose आपने computer पर कोई काम किया, अब आपको उस काम को एक paper पर print देना है, तो आप किसकी help से देंगे? आप printer की help से उन सब काम को paper पर print करेंगे. You can print words, पिक्चर्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. प्रिंटर की हेल्प से आप कोई भी पिक्चर प्रिंट कर सकते हैं, कोई वर्ड प्रिंट कर सकते हैं और कोई भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं. द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर
इज कॉल्ड प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। जो भी प्रिंट प्रिंटर से निकलेगा उसे आप क्या कहते हैं, प्रिंट आउट, या फिर हम उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स कैन बी ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड। प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं और कलर्ड भी होते हैं। नाउ टाइम टू लर्न अबाउट स्कैनर। अ स्कैनर इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम द पेपर टू द कंप्यूटर। तो बच्चों स्कैनर का यूज हम किस लिए करते हैं, टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर। कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर को कॉपी करने के लिए कहाँ पर, पेपर से कंप्यूटर पर, तो उसके लिए हमें स्कैनर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार आपके पापा या मम्मा या बड़े भाई जो ऑफिस में वर्क करते हैं, आपने सुना होगा वो कहते हैं कि इस पेपर को स्कैन करके दूसरे ऑफिस में भेजना है या फिर कहीं और भेजना है, तो उसके लिए हमें स्कैनर की हेल्प की ज़रूरत होती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्पीकर्स। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट स्टोर इन आवर कंप्यूटर। स्पीकर की हेल्प से हम क्या सुन सकते हैं, अपनी पसंद के गाने और कोई भी वॉइस या कोई भी साउंड इफेक्ट जो कंप्यूटर में स्टोर है। आजकल बड़ी बड़ी पार्टीज में गाने चलते हैं तो आपने वहाँ पर स्पीकर्स तो देखे होंगे, वो गाने की आवाज़ किस में आती है, स्पीकर्स में आती है। लेकिन बच्चों अगर आप घर में गाने सुने तो आपको बहुत तेज वॉल्यूम में गाने नहीं सुनने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप तेज वॉल्यूम में गाने सुनेंगे तो उससे नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता है और हमारी सुनने की शक्ति पर भी इफेक्ट पड़ता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट हेडफोन्स। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एज वेल एज रिकॉर्डेड साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। ओनली द पर्सन हु वियर्स द हेडफोन्स कैन हियर द साउंड। हेडफोन की हेल्प से हम गाने सुन सकते हैं और कोई भी साउंड जो हमने कंप्यूटर में सेव कर रखी है उसको सुन सकते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है, अगर हमने हेडफोन्स लगाए हैं तो उस चीज़ को सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं जिसने हेडफोन लगाया है। इससे जो दूसरा व्यक्ति है या दूसरा जो पर्सन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सपोज आप फैमिली के बीच में बैठे हैं, ठीक है, सपोज आप फैमिली के बीच में बैठे हैं, ठीक है, आपका मन है गाने सुनने का, तो अगर आप हेडफोन्स लगा के गाने सुनेंगे तो इससे आपके अदर फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। वो गाने सिर्फ आप ही सुन सकेंगे क्योंकि आपने हेडफोन पहना है। नाउ वी विल लर्न अबाउट माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड इन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन, देखिए ये पिक्चर किसकी है, माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन की हेल्प से हम अपनी वॉइस को कंप्यूटर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और डिफरेंट साउंड्स को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। नाउ आई विल टेल यू वन एक्स्ट्रा बाइट। समटाइम्स अ हेडफोन एंड अ माइक्रोफोन आर अटैच टू ईच अदर। कई बार माइक्रोफोन और हेडफोन एक दूसरे से अटैच्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी विल लर्न अबाउट सीडी। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज सर्कुलर इन शेप। इट कैन ऑल्सो स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये शेप में कैसी होती है, गोल होती है। सीडी अपने अंदर बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों को या डाटा को स्टोर करती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट लुक्स लाइक अ सीडी। इट स्टोर मोर डाटा देन अ सीडी। डीवीडी बिल्कुल देखने में सीडी की तरह लगती है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि ये सीडी से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, इसकी कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा होती है। नाउ इन लास्ट वी विल लर्न अबाउट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज
फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट स्टोर मोर डाटा देन द सीडी एंड डीवीडी। सो स्टूडेंट, पेन ड्राइव दिखने में तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन इसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो सीडी और डीवीडी से भी ज़्यादा होती है। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड स्मॉल इनफ टू कैरी इन योर पॉकेट। ये बहुत आसान है यूज़ करने के लिए और ये बहुत छोटी सी होती है और आपकी पॉकेट में रखी जाती है। आप अपनी पॉकेट में रख कर इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेती। नाउ आई विल टेल यू कंप्यूटर मैनर। डू नॉट प्ले नियर अ कंप्यूटर। कभी भी कंप्यूटर के पास नहीं खेलना चाहिए। द स्क्रीन ऑफ अ मॉनिटर इज डेलिकेट। मॉनिटर की स्क्रीन बहुत डेलिकेट होती है। इट मे ब्रेक व्हेन हिट विद अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। वो टूट सकती है अगर उस पर कोई भी भारी चीज़ या कोई भी सॉलिड चीज़ लग जाए तो। वो इतनी ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए आप कभी भी कंप्यूटर के पास मत खेलिए। नाउ टाइम टू रिवाइंड। जितना हमने पढ़ा चलिए जल्दी से उसको एक बार रिवाइंड करते हैं। अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो। वट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं और जो भी काम हम कंप्यूटर पर करते हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं, मॉनिटर पर। अ कंप्यूटर माउस हैज टू और थ्री बटन्स एंड अ स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन। इट इज ऑलवेज कैप्ट ऑन अ माउस पैड। CPU stand for Central Processing Unit. It is the brain of computer. It does all the tasks that we want the computer to do. CPU को computer का क्या कहा गया है, brain कहा गया, और ये computer के सारे काम करता है। A keyboard has many buttons called keys. It helps us to give instruction to कंप्यूटर। कीबोर्ड पर जो छोटे छोटे बटन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड। और यह कीबोर्ड क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है काम को करने के लिए। अ प्रिंटर इज यूज टू टेक अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन योर कंप्यूटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर विच इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी। अ स्कैनर इज यूज टू कॉपी एंड पिक्चर फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। अगर हमें कोई पेपर या कोई भी पिक्चर स्कैन करनी है या कॉपी करनी है कंप्यूटर पर, हम किसकी हेल्प लेंगे, स्कैनर की हेल्प लेंगे। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट स्टोर इन आर कंप्यूटर। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एज वेल एज रिकॉर्डेड साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हेडफोन की हेल्प से हम गाने या कोई भी साउंड सुन सकते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता। जिसने हेडफोन पहने हैं सिर्फ वो ही गानों को या किसी भी साउंड को सुन सकता है। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। अ डैश इज ऑल्सो नोन एज वीडियो। हम वीडियो किसे कहते हैं, मॉनिटर, CPU, माउस या स्कैनर को, हम वीडियो कहते हैं मॉनिटर को। द नेक्स्ट वन, अ डैश इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट हमारी हेल्प करता है किसी पिक्चर या किसी टेक्स्ट को पेपर से कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए। स्कैनर, स्कैनर हेल्प अस टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम पेपर टू कंप्यूटर। डैश आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एज वेल एज रिकॉर्डिंग साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना हम किसकी हेल्प से गाने या कोई साउंड सुन सकते हैं, माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर्स या नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैश इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। किसको फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, पेन ड्राइव, CD, DVD और स्पीकर। तो हम फ्लैश ड्राइव किसे कहते हैं, पेन ड्राइव को भी। द लास्ट वन, डैश हेल्प अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर।
कौन हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए? कीबोर्ड, मॉनिटर, सीडी और स्पीकर। कीबोर्ड हेल्प अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज डैश कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम। जब बिजली चली जाती है तो कौन कंप्यूटर को ऑन रखता है थोड़ी देर के लिए? तो यहाँ आएगा बच्चों UPS। नंबर टू, डैश इज यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड इनटू द कंप्यूटर। कौन हेल्प करता है कंप्यूटर में आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर अदर साउंड को? तो नंबर टू में आएगा माइक्रोफोन, MICRO, माइक्रोफोन, PHONE, फोन। नंबर थ्री, डैश डज ऑल द टास्क डेट वी वॉन्ट द कंप्यूटर टू डू। हम कंप्यूटर से जो भी काम कराना चाहते हैं वो कौन करता है? CPU। नंबर फोर एंड नंबर फाइव यू विल डू बाय योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको उनको पढ़ना है। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए आप टी लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए आप एफ लिखेंगे। नंबर वन, सीडी स्टोर मोर डाटा देन अ डीवीडी। सीडी डीवीडी से ज़्यादा डाटा को स्टोर करती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर टू, माउस हैज टू और थ्री बटन्स एंड अ स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन्स। माउस के दो या दो से ज़्यादा बटन होते हैं और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द नेक्स्ट वन, स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। स्पीकर से हम म्यूजिक सुन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें हमारी कौन हेल्प करता है? हेडफोन्स। विद द हेडफोन्स We listen sounds music to without disturbing others. The next one, pen drive is easy to use and small enough to carry in your pocket. Pen drive बहुत छोटी होती है और आसानी से आपकी पॉकेट में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है उसको। This statement is true. The last one, DVD is square in shape. DVD square shape में होती है? No, this statement is false. It is circle in shape. Question number D, answer the following questions. तो बच्चों यहाँ पे कुछ questions दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? You have to revise your chapter once again. आप एक बार अच्छे से फिर अपना chapter पढ़ेंगे और सारे questions आप खुद करेंगे. You have to do it by yourself. So my dear kids, in this chapter you have learnt about different parts of computer. आपने इस chapter में computer के बहुत सारे different parts के बारे में पढ़ा। I hope you learn so many things from this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.